बहुत अच्छी पिक्चर है भाई, बहुत सबसे अच्छे कलर का पिक्चर, सबसे अच्छा रणवीर कपूर। इज नथिंग अगेंस्ट राजपूत एनी थिंग, बहुत अच्छी मूवी है। दोज़ हू आर नॉट वॉचिंग मूवी दे आर फुलिस्ट पीपल, 10 out of 10। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। सब अच्छा लगा मेरे को, ए टू जेड अच्छा है सब। मूवी बहुत बढ़िया है, सबको मूवी देखनी चाहिए। विवाद की बात ही ऐसा कुछ भी नहीं है, राजपूतों को मूवी देखनी चाहिए और ऐसा कुछ भी मतलब गलत नहीं है मूवी में, सबको मूवी देखनी चाहिए। सबसे अच्छा तो रणबीर का एक्टिंग है और सबका बढ़िया है, मतलब रणबीर बेस्ट है अपने लिए। नहीं नहीं, मैं फिल्म देखने जब भी आया था मुझे मतलब लगता था कि विवाद नहीं है, मूवी बनाएंगे क्यों अगर ऐसा कुछ होगा तो। अच्छी मूवी है, स्टार तो 5 का 5। हाँ, दोबारा एक बार अपने गांव जाकर जरूर देखेंगे। अच्छी लगी दीपिका पादुकोण का जो सीन था वो सबसे अच्छा लगा उनका। रणवीर सिंह है और शाहिद कपूर है, उन सबके केमिस्ट्री कैसे लगा आपको? नहीं, दोनों का अपनी अपनी जगह पे, बहुत दमदार सीन दिया है उनका, बहुत अच्छा दिया है। जैसे मतलब नहीं, बहुत अच्छा लगा उनका डायरेक्शन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राजपूतों का गौरव दिखाया और एंड तक दिखाया उनका गौरव। जैसे नहीं, अच्छा लगा उनका डायरेक्शन, जो इतने विवाद हुए इतना सुनने में आया, वो बिल्कुल पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ। सबसे अच्छा घूमर 4। मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है, जैसी मुझे देखनी चाहिए थी बाहुबली के बाद, तो ये मूवी मुझे देखने को मिली है। यस, रणवीर का लगा मुझे, आफ्टर दैट शाहिद, फिर दीपिका का। इस बार उन्होंने बहुत अच्छा किया, मेन तो ये है उन्होंने 3D फर्स्ट टाइम करी है, जो किसी को मालूम नहीं था। बाद में जब ये बात हुई तो मालूम चला कि 3D है, तो सब लोग एक्साइटेड बहुत थे। तो अब उन्होंने देखा कैसा लगा, बहुत फैबुलस मूवी बनाई है उन्होंने। सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगे, इसमें जो म्यूज़िक है वो बहुत डिफरेंट है, उनका हमेशा अच्छा ही रहता है। जो रामलीला के बाद में बनाई तो ये बनाई एकदम बेस्ट है, 5 में से 5, 100 में से 100 है मेरी तरफ से। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। सबसे अच्छा रणवीर का कैरेक्टर, फर्स्ट टाइम उसको विलन में हमने देखा है, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर रहा उसका। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन कैसे लगा आपको? बहुत ऑसम। केमिस्ट्री बात के सबसे बेस्ट केमिस्ट्री किसका लगा? सबसे अच्छी जो है वो रणवीर सिंह की है। ये सब फालतू है, कुछ भी नहीं है। जो बवाल कर रहे हैं उनको बोलो, अगर उनके पास पैसे नहीं है, हम उनको पैसे देते हैं, वो दीपिका के लिए और रणवीर के लिए बोलते हो थिएटर में आगे लेकर पैसे दे रहे हैं। मैं उनको थिएटर में मूवी आगे देखने के लिए टिकट का पैसा मैं दे दूंगा, वो आके मूवी देख लें। लास्ट सीन बहुत अच्छी है कि ऑलरेडी मतलब कि स्टार्टिंग से एक ही चीज़ थी कि दीपिका को उसको देखना है, पद्मावती को उसको देखना है, बट वो देखना नहीं देना चाहता। और पद्मावती भी लास्ट में है कि अगर उसका हस्बैंड मर भी गया, शाहिद मर गया, फिर भी पद्मावती ने अपने आप को जला लिया। कोई डायलॉग्स फिल्म का जो याद हो आपको? डायलॉग्स तो बहुत सारे हैं, बट एक बहुत अच्छी ये चीज़ें हैं जो उसकी हंसी है रणवीर सिंह का। 5 में 5। बहुत बहुत अच्छी लगी, सब ने देखनी चाहिए। दीपिका का काम बहुत अच्छा हुआ है, म्यूजिक अच्छा है, रणवीर ने बहुत अच्छा काम किया है, पर्टिकुलरली इन दी खिलजी इज रोल। और सब ने देखनी चाहिए, क्यों कंट्रोवर्सी हुई पता नहीं, या ये मार्केटिंग गिमिक था वो भी पता नहीं, बट मूवी अच्छी है, 5 out of 5। सब लोगों ने देखनी चाहिए, इट शुड ब्रेक द रिकॉर्ड एंड सी दैट इट्स नॉट ओनली खान्स हु आर ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स। इट वॉज अ सरप्राइज व्हेन आई एंटर्ड इन द थिएटर एंड दे गेव मी दैट कि ये आपको पहनना पड़ेगा। तब तक मैंने कॉन्ट्रोवर्सी ही सुन रहे थे कि ये 3D मूवी है या नहीं, देखा थे वो। आई थिंक 20 years बैक वी सॉ दैट वन छोटा चेतन समथिंग विच वॉज विद दिस, दैट वॉज इन फैक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग वॉज नेवर इवन इन टू लाइमलाइट, ऑल अदर कॉन्ट्रोवर्सी वॉज ओनली इन लाइमलाइट। नहीं, ऐसे एक ऐसा बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट पर्टिकुलरली खिलजीज ट्रेट्स ऑफ अ मैड मैन और समथिंग विच ही शोड वॉज वेरी फैंटास्टिक, माने जैसे खून काट के लगा लेता है वगैरह वगैरह, ऐसे डायलॉग्स तो सभी अच्छे हैं। सॉन्ग एंड विजुअल्स, शूटिंग इज़ वेरी गुड, पर्टिकुलरली दे हैव शोन इन सिंगला फॉरेस्ट, दैट फॉरेस्ट की शूटिंग बहुत अच्छी है। घुमरो सॉन्ग इज़ वेरी गुड एंड अदर सॉन्ग्स ऑल्सो विच आर हैविंग बेसिकली थोड़ा क्लासिकल टच है पूरे म्यूजिक में। मैं तो आपका स्कोर क्या है, 10 या 5? 10 है तो 10 out of 10। मूवी बहुत अच्छी है और सभी आए देखने। मेरा एक करणी सेना को मैसेज दीजिएगा
कि वो बिना देखे मूवी को कुछ भी बोलती, ये स्पेशली राजपूतों के लिए है मूवी, मतलब राजपूतों की शान, राजपूतों का मतलब इसमें ऐसा एटीट्यूड दिखाया गया है, तो वो सेना जब देखेगी ना अगर ये मूवी, तो सेकेंड डे से खुद प्रमोशन करने लग जाएगी इस मूवी का। बहुत ज़बरदस्त, नंबर वन दीपिका, नंबर टू रणबीर को देंगे अपन, और नंबर थ्री अपन जाएंगे सीधा शाहिद। नहीं बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए संजय लीला भंसाली की छाप है, उन्होंने पिछला अगर रासलीला और देवदास जो भी मूवी बनाया तो उनकी एक छाप है, लोग इंस्टीट्यूट मानते हैं उनको, बॉलीवुड इंडस्ट्री सिर्फ उनकी मूवी देखने आती कि क्या उन्होंने डिफरेंट किया, तो छाप है, उन्होंने पूरी मूवी में अपनी छाप छोड़ी है। सॉन्ग घूमर, मतलब अगर घूमर रिसर्च करके बनाया गया, उसके जो सारे स्टेप्स थे गाने के वो अलग समझ आते हैं, हम लोग बचपन से घूमर सुनते आए, बट वो जो गाने का स्टेप्स था, तो ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि रिसर्च करके इस मूवी को घूमर गाना बनाया गया। और अच्छा, फाइव मुझको बहुत ख़राब लगा, बिकॉज जिस तरह का उन्होंने पोर्ट्रेल किया है खिलजी जैसे कैरेक्टर को, वो उसको शुरू से दिखा रहे हैं कि एक एक वॉर जीता है और उसके बाद एक राजपूत प्रिंसेस को लेके पकड़ के आया है, बेड़ियों में पकड़ा हुआ है, और उसको बोल रहा है कि अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा, और तलवार उस पर रख रहा है, एंड ही इज़ नाउ गोइंग टू रेप हर। इस तरह का कंटेंट आजकल की फिल्मों में बी ग्रेड और सी ग्रेड लोग भी नहीं दिखाते हैं, ये बहुत ही डिटोगेटरी मूवी है। उसके बाद उन्होंने खिलजी को ये पोर्ट्रे करवा रहे हैं कि वो हर नायाब चीज़ ले लेता है, वेरी गुड भाई, सब लोग जो भी अगर कोई खिलजी से रिलेट करेगा वो कहेगा अरे खिलजी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। एक एजुकेटेड जो सोसाइटी में आज हम रहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू इंस्टिगेट पीपल विद शोइंग सच थिंग्स। लास्ट सीन में उन्होंने दिखाया है वुमेन आर जंपिंग इन टू फायर एंड आर्मी इज बिहाइंड एंड ट्राइंग टू कैच द वुमेन फॉर रेपिंग दैम। सच कंटेंट इज नॉट टू बी मेड इनके। ओके, देर वॉज अ मोमेंट इन माई हिस्ट्री विच वॉज देयर सैड पॉइंट, Nobody is today going to, nobody wants to again revisit that. Why do you want to again put it on a grander scale that I cannot shut my eyes also from it, or nobody else, because it is the biggest movie of Bollywood cinema. They have raised the bar on 3D effects, they have raised the bar from Bahubali, but why do you choose such subjects? And in interiors, people who do not have, I mean, we are living in a civilized society in Mumbai, but in interiors, think about people who have sentiments attached to this story, they will feel really humiliated. So rating is out of question. This film does not deserve any rating. I mean, as a filmmaker, they have violated some moral responsibility. I would give it a -5 rating, and it is really choking.